everyone and welcome to my channel. So today I'll be sharing with you my 5 favorite mug recipes. अब ये मग रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए तो उनकी छोटी छोटी सी क्रेविंग के लिए क्या बनाएं, सो वी कैन मेक आउट दीज थिंग्स फॉर देम. एंड साथ ही साथ, इफ़ यू आर लिविंग बैचलर तो बिना ज़्यादा बर्तन बिगाड़े हुए यू कैन मेक आउट दीज फॉर योर सेल्फ. एंड साथ ही साथ, जो हमारी वीकेंड्स की मिड नाइट क्रेविंग्स होती है, जब हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं एंड वी वॉन्ट समथिंग फॉर आवर सेल्फ टू ईट, सो डेफिनेटली वी कैन मेक आउट दीज बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड मेरी फेवरेट वाली मग रेसिपी मैं बिल्कुल एंड में आपको दिखाऊंगी, विच वॉज अ हिट इन माई हाउस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बच्चों का फेवरेट वाला मैक एंड चीज़ बनाने जा रहे हैं. सो फॉर दैट आई एम टेकिंग 3/4 कप ऑफ मैकरोनी एंड आई विल फिल दिस विद वाटर. इतना पानी होना चाहिए कि मैकरोनी अच्छे से उसमें डूब जाए. आई विल पुट इन सम सॉल्ट, गिव इट अ स्टर. और मैक्रोनी यहाँ पर मैंने सबसे छोटी साइज़ वाली यूज़ की है. आई सजेस्ट यू कि आप भी वो ही यूज़ कीजिएगा ना. अब इसको 3 मिनट के लिए हम रखेंगे ताकि मैक्रोनी हमारी अच्छे से बॉईल हो जाए. एंड मैंने यहाँ पर मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है. नाउ आई एम पुटिंग इन सम बटर. तो यहाँ पर मैंने 1 teaspoon बटर का यूज़ किया हुआ है. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें. देन आई एम पुटिंग इन 5 tablespoons ऑफ मिल्क. अभी अलग से आपको व्हाइट सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है. वी आर गोइंग टू मेक ऑल दिस इन दिस मग इट्सेल्फ. सो 5.5 tablespoons मैंने मिल्क ही यूज़ किया हुआ है. 1 teaspoon कॉर्नफ्लोर डालेंगे यहाँ पर एंड सम ब्लैक पेपर. Along with that, now comes the cheesy part. So यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ. You can put the quantity of cheese how much your kid loves or for whom you are making. Some salt and some oregano also. And we will give it a mix. So the beauty of this cup मग रेसिपीज़ दैट की सारी चीज़ें हम एक साथ ही बना लेते हैं. कुछ भी अलग से इसमें वाइट सॉस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है एंड इट विल टेस्ट अमेजिंग. सो नाउ आई विल जस्ट पॉप दिस इनटू माइक्रोवेव फॉर जस्ट 1 मिनट. तो 4 मिनट में आपका मैक एंड चीज़ बन के तैयार हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट वेट आउट फॉर द आउटकम. सो हेयर इट्स कम्प्लीटली रेडी. Now I'll show you how creamy it is. आपको देख के लग रहा होगा ना कि बहुत ज़्यादा creamy बना हुआ है. What more you can get? यार 4 मिनट में आपका मैक एंड चीज़ बन के रेडी हो रहा है एंड इट वॉज अमेजिंग इन टेस्ट. थोड़ा सा ऑरिगेनो और मैं स्प्रिंकल करूँगी. चीज़ की क्वान्टिटी एज आई टोल्ड कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा जितना भी आप लोग पसंद करते हो. सो यार दिस वॉज मैक एंड चीज़. नाउ आई मूव ऑन टू अनदर रेसिपी. Now it's the mug dhokla recipe. So for that I am taking suji. मैंने यहाँ पर 4 tablespoons सूजी ली है और 4 tablespoons ही हम बेसन लेंगे equal quantities. और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से. Now I'll be adding some water into this. और पानी से हम इसका बैटर बनाएंगे. और अभी हम बैटर को थोड़ा लिक्विडी ही रखेंगे. बट आई सजेस्ट यू दैट यू हैव टू ऐड द वाटर वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज एक साथ अगर ज़्यादा पानी हमने ऐड कर दिया तो बैटर हमारा ख़राब भी हो सकता है. तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाइए एंड वी हैव टू मेक अ फ्लोई बैटर. स्टिल अभी भी ये थिक है तो थोड़ा सा और हम इसे लिक्विडी करेंगे. अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे. और अभी ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है. 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे. आफ्टर 5 मिनट्स मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया हुआ है, 1/2 teaspoon ऑफ शुगर, 1 teaspoon ऑयल और 1/4 teaspoon मैंने यहाँ पर हींग ऐड किए, जस्ट अ पिंच ऑफ इट. और इसको सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से. लास्ट में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इनो. और इनो मैंने डाला है 1/2 teaspoon. और इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से. एंड द बैटर हैज़ टर्नड आउट रियली फ्रॉथी. आई विल जस्ट पॉप दिस इनटू माइक्रोवेव. सो
So for 3 minutes, I'll just microwave this. और ये 3 मिनट्स में आप देख रहे हैं बिल्कुल रेडी है एंड वन टूथपिक टेस्ट, सो ये बिल्कुल क्लीन था. नेक्स्ट इसके लिए थोड़ा सा हम तड़का बना लेंगे. 2 teaspoon ऑफ ऑयल, सम करी लीव्स, थोड़ा सा राई एंड पानी. अब पानी हमें इतना रखना है कि हमारा ढोकला बिल्कुल ऊपर तक उसमें भीग जाए. सो सम वेनेगर, 1/2 teaspoon ऑफ शुगर, 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट. एंड अब हम ये सारा जो मिक्स है इसको हम तड़के का वो हम इस ढोकले के ऊपर डालेंगे. जैसा कि मैंने बताया कि पानी आपको इतना रखना है कि जो ढोकला है वह बिल्कुल ऊपर तक आपका सोक हो जाना चाहिए उसमें अच्छे से, तभी वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और बढ़िया निकलेगा. अब इसको 10 मिनट्स के लिए हम रख देंगे ढक कर के. सो नाउ आवर ढोकला इज़ कम्प्लीटली रेडी. 3 मिनट्स में ढोकला, वॉट यू वॉन्ट मोर. सो next moving on to our other recipe. So next I'm making chocolate cake in a mug. For that I'm taking 4 tablespoon of maida. इसमें ऐड करेंगे 3 tablespoon brown sugar. अगर brown नहीं तो definitely white sugar ऐड कर सकते हैं. 2 tablespoon of cocoa powder and now I'll add some milk. So total 4 tablespoon of milk and 2 tablespoon of oil into this. कोई भी flavorless oil use कीजिएगा. 1/2 teaspoon of vanilla essence and a pinch of salt. Give it a good mix. Now I'll just whisk this up for better result. And next I have some चॉकलेट इन माई फ्रिज. तो अभी मेरे पास स्निकर पड़ी हुई है तो मैं थोड़ी सी स्निकर्स के चंक्स इसमें ऐड कर दूंगी. आप कोई भी चॉकलेट ऐड कर दीजिए, अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, इट इज़ जस्ट माई वे. मेरे पास थी तो आई एम जस्ट एडिंग इट. और नाउ आई विल जस्ट पॉप दिस इनटू माइक्रोवेव. इनिशियली अभी मैंने इसको 1 minute and 30 seconds के लिए लगाया हुआ है. एंड थोड़ा सा मैं और इसको टाइम दूंगी तो 20 seconds में और इसको बढ़ा रही हूँ. तो टोटल इट विल टेक 1 minute and 50 seconds. तो इसके बाद हमारा केक रेडी हो जाएगा. सो हेयर इज़ द फाइनल आउटकम एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस. टूथपिक टेस्ट भी हमारा क्लीन निकला है. सो आई विल जस्ट स्प्रिंकल अप सम ब्राउन शुगर ऑन टॉप ऑफ दिस. आई लव इट. यू कैन सर्व इट विद आइसक्रीम और वॉट एवर यू वॉन्ट. सम चॉकलेट सॉस ऑल्सो गोज वेल. एंड आई विल जस्ट क्विकली डिग इन टू दिस एंड इट लुक्स अमेजिंग एंड इट टेस्ट ऑल्सो अमेजिंग. नाउ आई विल स्टार्ट विद माई नेक्स्ट रेसिपी विच इज़ बेसन जी का चीला. तो फॉर दैट आई एम टेकिंग 4 tablespoon ऑफ बेसन, 3 tablespoon of maida and 1/2 teaspoon of baking powder, not soda, powder. और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. I'll be adding some water into this. Slowly and gradually we are going to add the water. अब जैसे बेसन का जो हमने ढोकला बनाया था उसका हमने मिक्स बहुत लिक्विडी रखा था, बट इसको हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं रखना है बिकॉज वी आर मेकिंग अ चीला आउट ऑफ इट. तो इसको पहले हम विस्क से अच्छे से विस्क करेंगे बिकॉज वी वॉन्ट कि ये थोड़ा सा फ्लफी बने. एंड वैसे आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का एगलेस ऑमलेट है क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है. एंड इसीलिए मैंने इसमें मैदा ऐड किया हुआ है ताकि टेस्ट इसका बिल्कुल वैसे ही आए. यू कैन सी द बैटर इज़ रेडी. थोड़ा सा और हम पानी इसमें डालेंगे क्योंकि बेसन जो है वो थोड़ा सा फूलता भी है बाद में. तो इस तरीके का हमें इसका मिक्स चाहिए और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एज़ पर द टेस्ट. सम बटर, मैंने 1/2 teaspoon बटर भी ऐड किया हुआ है बिकॉज ये टेस्ट बहुत अमेजिंग देता है. ट्रस्ट मी, इसको डाल के देखिएगा. एंड नेक्स्ट सम चॉप्ड अनियन, सम चॉप्ड टमेटोज, सम ग्रीन चिलीज, सम कोरिएंडर एंड ये मेरे पास थोड़े से क्रूटॉन्स पड़े थे. नाउ दिस इज़ माई वर्जन ऑफ मेकिंग बट ये बहुत अच्छा सा टेस्ट करता है इसके साथ. मीन्स इस मग रेसिपी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट करता है. तो अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे. तो इसको मैंने 3 minutes and 45 seconds के लिए माइक्रोवेव किया है एंड इट इज़ रेडी.
some more butter on the top to keep it really moist and a buttery taste to my chilas. And if you want, you can enjoy it with some toasted bread also. Bahut amazing lagta hai. And some more chopped coriander on top of it. And I'll just take a bite of it. It is very yummy and very buttery. Taste amazing hai. Now moving on to my next recipe is my favorite one, is the mug pizza recipe. So I've taken 3 tablespoons of maida aur 1/4 ka bhi aadha 1/8 teaspoon baking powder hai aur 1 pinch baking soda hai. And next I'll be adding some salt as per the taste. 1/4 teaspoon of powdered sugar and thoda sa oregano. And 1 teaspoon isme dahi dalenge. And 1 teaspoon hi isme hum oil dalenge. Now one very important thing कि मेरा जो microwave है वो 900 watt power का है, तो अपने microwave का maximum power ज़रूर check कीजिएगा. अगर वो 900 से कम है तो ज़्यादा time लगेगा recipes में, और अगर 900 से ज़्यादा उसका power है तो कम time लगेगा recipes में. So do check this. और अच्छे से mix कर लेंगे हम इसे. And then I'm adding some water, तो 1 tablespoon plus 1 more. अभी मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया हुआ है. वन मोर. सो दैट इज़ टोटल 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया हुआ है. पानी हमें बहुत ध्यान से ऐड करना है क्योंकि हमें इसको ब्रेड जैसा टेक्सचर देना है, इसलिए पानी भी मेजर करके ही डालेगा. टोटल 3 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया हुआ है. 2 टीस्पून ऑफ टमेटो केचप, अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो 2-3 टीस्पून ऑफ टमेटो केचप आप ऐड कर सकते हैं. और इसको बिल्कुल हल्के से ऊपर की लेयर पर हमें इसको स्प्रेड करना है. मेक श्योर कि ये जो केचप है वो डो के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, बस ऊपर ऊपर जैसे हम टॉपिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको लगाना है. एंड अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, मेरे पास नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक यूज़ कर रही हूँ. एंड ऑफ कोर्स आवर फेवरेट वेजिटेबल्स, वट एवर द वेजीज यू लव यू कैन यूज़. मैं इस रेसिपीज़ को लॉकडाउन के टाइम पर बना रही हूँ, सो वट एवर बेस्ट आई हैव अवेलेबल विद मी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ. बट इफ़ यू हैव लाइक हैलपिनोज, ऑलिव्स, यू कैन डेफिनेटली एड इन दीज एज वेल. After some capsicum, I'm adding in some cubes of paneer as well. And also do let me know in the comment section if you want more such kind of recipes. I'll try and create more of it. क्योंकि हम मामाज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे जब बोलते हैं मामा हमें कुछ खाना है एंड देर इज़ नो नेम ऑफ दिस कुछ. सो नाउ मामाज, यू ऑल आर रेडी विथ सम मग रेसिपीज विच यू कैन क्रिएट फॉर योर चिल्ड्रेन. एंड ऑल्सो मेरी मिड नाइट क्रेविंग के लिए दिस इज़ अ बिग हिट इन माई हाउस. सो या डू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ इट. आफ्टर दैट आई विल बी एडिंग सम मोज़रेला चीज़. तो बस मैंने रफली ये चीज़ को क्यूब्स में कट कर लिया है, मोज़रेला चीज़ को, और उसको हम इसके ऊपर से डाल देंगे. चीज़ की क्वांटिटी विल डिपेंड कितना आपको चीज़ी चाहिए. सो आई विल जस्ट टॉप इट अप लाइक दिस एंड आर मग पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू गो इनटू माइक्रोवेव. तो इसको सिर्फ मैं 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव करूँगी. And in 2 minutes, our mug pizza is ready. That looks amazing. And I'll just top it up with some more oregano and some chili flakes as well. So now I'll just straight away dig into this pizza and just look at the texture of bread, completely cooked and bilkul bread jaisa texture hai. So I hope you liked all these recipes. Please do give it a try and do let me know in the comment section. Very important ki microwave ka temperature zarur se kijiyega check, so that you can adjust the time accordingly. And bade size ka mug ya bowl use kijiyega, because we don't want ki hamari dish jo hai wo spill out ho jaye microwave mein. So yeah, if you are liking it, do like and share this video. If you are new to my channel, you're most welcome. Don't forget to subscribe. See you till then. Stay blessed. Keep watching my videos and bye bye from me.